आप हवाई जहाज में, रेलवे स्टेशन में, ट्रेन में, बस में, लगभग हर जगह खुलकर तेज आवाज में भजन कीर्तन कर सकते हैं। आपको पूरी आजादी है। पर अगर कोई मुसलमान किसी कोने में नमाज पढ़ ले तो इनका धर्म खतरे में आ जाता है, फिर उस मुसलमान को जेल में डाल दिया जाता है। आप मुसलमानों को दिन में हजार बार मारने, काटने, नरसंहार करने की धमकियां दे सकते हो, मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसा सकते हो, लेकिन कोई मुसलमान कविता में कुत्ता लफ्ज इस्तेमाल कर दे तो 3-3 बार गिरफ्तार किया जाता है। क्या यही गंगा जमुनी तहजीब है जिसकी घुट्टी बचपन से हमें पिलाई गई? क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही वो कानून है जो सभी के लिए बराबर है? आईनी हक है, एतबार से हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज करने का जो पावर है हमें हमारे मुल्क का कानून देता है, लेकिन कानून के दायरे में। और हमारी ये पहचान हमेशा से रही है कि हम कानून के दायरे ही में रहते हैं, हम कभी कानून के दायरे से बाहर नहीं आते हैं। हम कानून के दायरे में ही रहते हैं, ये हमारी पहचान है। तो इसलिए जो लोग परेशान हैं वो मुतमईन हो जाएं, जो परेशान है वो मुतमईन हो जाएं। मुसलमान जब भी सड़कों पे निकलता है तो वो अपने